अच्छा ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं जी? प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? मोदी बनेंगे। राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी अभी टाइम लगेगा अभी उनको टाइम लगेगा, जो मर गया वो भी जिंदा होने में टाइम लगता है। लेकिन वो तो जिंदा है। हाँ जिंदा मगर मरे समझे उनको। क्या नाम है आप? मोहम्मद हाशिम। कहाँ से? गोंडा। ये बताइए यहाँ से कौन जीत रहा है? राजा भैया। काम वाम किया है? काम वाम करे या ना करे, योगी बाबा को देखना उन्हीं को वोट देना है। योगी जी ने काम किया है? बस क्या काम किया है? अरे काम ही काम हुआ है, सुकून से धंधा कर रहे हैं और क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? अहमद अली। कहाँ से? जी गोंडा से। योगी जी ने काम किया है? बहुत कुछ उन्होंने कर दिया। क्या? अरे बहुत कुछ करते हैं, बताने वाला ही नहीं कुछ। अरे तो क्या कर दिया? क्या बता दें, सब कुछ तो कर ही दिया उन्होंने, क्या बता दें। ये बताइए 2024 में आ कौन रहा है? भाजपा आ रही है। राहुल गांधी इंडिया लाइन? वो नहीं समझ में आ रहे। ये बताइए योगी जी ने कैसा काम? योगी जी ने अच्छा काम किया है। गुंडा माफिया खत्म हो रहे हैं? जी जी ये तो सही बात है, गुंडा माफिया ये सब खत्म हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? वही बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी? नहीं नहीं कोई सवाल है नहीं, ये तो आप बता दिया तो हर आदमी कहता है। रेहान बारी खान। कहाँ से? गोंडा से। कौन जीत रहा है यहाँ? राजा भैया। कीर्तिवर्धन सिंह? हाँ कीर्तिवर्धन सिंह। काम किया उन्होंने? बिल्कुल काम किया, मगर वोट मोदी को मिलेगा, वोट मोदी को मिलेगा, मोदी जीतेंगे, मोदी को, मोदी ने अच्छा काम किया है, मोदी को वोट दिया जाएगा। किया है काम? जी बिल्कुल किया है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी। मोदी जी। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, मोदी जी। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ ही हम भी लगातार जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है और इस बार जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में लगातार चुनावी कवरेज के दौरान हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा संसदीय क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछली दफा बीजेपी ने जीत का परचम आया था, लेकिन इस बार की बात करें तो फिलहाल यहां पर इंडिया अलायंस एक साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 में से जो 63 सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और इसी के साथ ही 17 सीटों पर कांग्रेस का कैंडिडेट उतारा जाएगा। आपको बता दें कि अगर यहां पर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने बाराबंकी की रहने वाली श्रेया वर्मा को टिकट दिया है, जबकि एक बार फिर से गोंडा लोकसभा सीट से सांसद रहे कीर्तिवर्धन सिंह को एक बार फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुना है। ऐसे में हम जनता के बीच जाते हैं और ये जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोच रही है। इस समय हम जो गोंडा क्षेत्र का मेन मार्केट कहा जाता है अब्दुल हमीद चौक, वहां पर खड़े हैं और यहां पर पूरा मार्केट आप देख सकते हैं और यहाँ पर तमाम जनता है जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो इस लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या सोच रही है और इस बार वो किसकी सरकार बनाने जा रही है। चलिए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हमारा अमजद नाम है। कहाँ से? ये भाईजाबाद रोड के गोंडा। ये बताइए जीत कौन रहे यहाँ से, बीजेपी या समाजवादी? बीजेपी जीतेगी। सांसद ने काम किया? जी हाँ किया काम। अच्छा ये बताइए कि योगी जी ने कैसा काम किया 7 साल में? हाँ काम तो अच्छा किया उन्होंने। अच्छा ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है जी? प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? मोदी बनेंगे। राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी अभी टाइम लगेगा अभी उनको टाइम लगेगा, जो मर गया वो भी जिंदा होने में टाइम लगता है लेकिन वो तो जिंदा है। हाँ जिंदा मगर मरे समझो उनको, हाँ वो जिंदा नहीं है। आने वाले राहुल गांधी हैं, आने वाले जिंदा होंगे। राहुल गांधी अगला पीएम? अच्छा हो सके मगर ये बात नहीं है। हाँ अच्छा हाँ। क्या नाम है आप? मोहम्मद हाशिम। कहाँ से? गोंडा। ये बताइए यहाँ से कौन जीत रहा है? राजा भैया। काम वाम किया है? काम वाम करे या ना करे, योगी बाबा को देखना उन्हीं को वोट देना है। योगी जी ने काम किया है? बस क्या काम किया है? अरे काम ही काम हुआ है, सुकून से धंधा कर रहे हैं और क्या चाहिए। लेकिन वहाँ पे तो लोग कह रहे हैं रेली पटरी हटा, लोग कुछ भी कहे भाजपा जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। मोदी आ रहे हैं? मोदी आ रहे हैं बस। राहुल गांधी? कोई नहीं। क्यों? कोई नहीं, सिर्फ मोदी आएंगे बस। क्या नाम है आपका? रहमत अली। कहाँ से? जी गोंडा से। गोंडा से जीत कौन रहा है, समाजवादी या बीजेपी? अभी तो ये कंफर्म नहीं है हमारे हिसाब से। नहीं मतलब सांसद ने काम, अभी रुझान समझ में नहीं किसी का आया है, पर कोई टिकट लेकर आए सामने तो मालूम पड़े। समाजवादी पार्टी से श्रेया वर्मा है, बाराबंकी से हैं वो, और बीजेपी की जो पुराने वाले सांसद रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उनको उतारा गया है। क्या कहेंगे आप? फिर वही जीतेंगे आपको लग रहा है? काम वाम किया तो कन्फर्म, काम वाम तो नहीं किए लेकिन जो समय चल रहा है समय के हिसाब से वही जीतेंगे।
योगी जी ने काम किया है? बहुत कुछ उन्होंने कर दिया। क्या? अरे बहुत कुछ कर दिया, उसमें बताने वाला है ही नहीं कुछ। अरे तो क्या कर दिया, क्या बता दें, सब कुछ तो कर ही दिया उन्होंने, क्या बता दें। ये बताइए 2024 में आ कौन रहा है? भाजपा आ रही है। राहुल गांधी इंडिया अलायंस? वो नहीं समझ में आ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद परवेज। कहाँ से है? यही गोंडा सिटी के। गोंडा से जीत कौन रहा है, बीजेपी या समाजवादी? अब ये तो वोट वाले दिन पता चलेगा कि, या गिनती वाले दिन। वैसे तो यहाँ से तो भाजपा ही का ज्यादा उम्मीद रहता है। ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया? योगी जी ने अच्छा काम किया है। गुंडा माफिया खत्म हो रहे हैं? जी जी, ये तो एक सही बात है, गुंडा माफिया ये सब खत्म हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? वही बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी? नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं, ये तो आप बता दिया तो हर आदमी कहता है। अच्छा ये बताइए, आपने मुख्तार अंसारी की खबर सुनी है? जी 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 सुनी है। लोग कह रहे हैं कि उनको मारा गया है, क्या कहेंगे इस पे? कहने भाई, सुनने की बात है भाई। अब आदमी 10 मिनट आदमी है, 10 मिनट बात करते हैं, 10 मिनट बताते हैं, किसका क्या सही है भाई। अब उनकी ज़िंदगी जितनी थी, उनकी वहीं लिखी थी ज़िंदगी वहीं पे अपर भाई, तो अल्लाह ताला जितना उनका ज़िंदगी दिया था, आपकी इसमें तो हम पता नहीं बता पाएंगे कि वो मारे गए हैं कि उनको मारा गया है, ये तो अल्लाह ही जानेगा। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग उन्हें ये बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि वो माफिया थे, आपको क्या लगता है? वो माफिया तो थे भाई, भाई जो गलत करेगा तो गलत रहेगा, चाहे वो हम हो चाहे वो मुख्तार अंसारी या कोई भी होगा भाई। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से? गोंडा से। अच्छा ये बताइए गोंडा से जीत कौन रहा है, समाजवादी या बीजेपी? बीजेपी। आपको लग रहा है बीजेपी जीतेगी? हाँ। कुछ काम वाम किया है कीर्ति वर्धन सिंह? नहीं, कहा नहीं काम करा। तुम ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है? हाँ अच्छा चल रहा है उनका काम। लोग कह रहे हैं गुंडागर्दी माफिया खत्म हो रहे हैं। माफिया तो खत्म हो ही रहे हैं, गुंडागर्दी सब खत्म हो रहा है। अभी आपने सुना होगा मुख्तार अंसारी, जिसे पूर्वांचल का डॉन कहा जाता था, उस पर क्या कहेंगे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते भाई। जब उसके बारे में हम जानते नहीं तो उसके बारे में कहेंगे क्या। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, जैसे है तो ठीक कर रहे हैं काम। तो अगली बार बीजेपी आएगी या राहुल गांधी? अब देखो उम्मीद तो है बीजेपी की ही। रेहान बारी खान। कहाँ से? गोंडा से। कौन जीत रहे हैं आज? राजा भैया। कीर्ति वर्धन सिंह? हाँ कीर्ति वर्धन सिंह। काम किया उन्होंने? बिल्कुल काम किया। ये बताइए कि योगी जी ने कैसा काम किया 7 साल? सब अच्छा काम किया, सब अच्छा काम किया है, योगी जी ने भी अच्छा काम किया। हाँ हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। हाँ ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी। मगर वोट मोदी को मिलेगा, वोट मोदी को मिलेगा, मोदी जीतेंगे, मोदी को, मोदी ने अच्छा काम किया है, मोदी को वोट दिया जाएगा। किया है काम? जी बिल्कुल किया है। क्या नाम है आपका? महफूज। कहाँ से? चौक से, गुंडा। अच्छा ये बताइए यहाँ से जीत कौन रहा है, समाजवादी या बीजेपी? बीजेपी। आपको लग रहा है यहाँ के सांसद ने काम किया है? बिल्कुल किया है, और सब जान रहा है बीजेपी जीतेगी, कुछ हो जाए बीजेपी जीतेगी। अच्छा ये बताइए कि योगी जी ने कैसा काम किया है, यूपी में सीएम बने रहे वो 7 साल हो चुके हैं। योगी ने बहुत अच्छा काम करा है, वो सबको एक तरीके से देखते हैं, उन्होंने कानून बहुत अच्छा करा, सबके लिए कानून है, और फिर से अबकी बार बीजेपी ही आएगी, कोई चाय लिख के ले लेते हैं बीजेपी आएगी। अच्छा लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि योगी जी जो है भेदभाव करते हैं यूपी में लोगों के बीच काम करने को लेकर के। हमें नहीं लगता ऐसा, अपनी अपनी सोच है लोगों की। अच्छा ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री अब ये तो वक्त बताएगा, वो सब जान रहे हैं, अब हम क्या बताएं, आप खुद देख लीजिएगा। राहुल गांधी? नहीं राहुल गांधी नहीं बनेंगे। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी? को ये हमें इतना नहीं पता, लेकिन अब आपको खुद पता है कौन बनेगा, आप देख लीजिएगा, सब जनता जानती कौन बनेगा। शहबाज। कहाँ से? ये गोंडा से। गोंडा से कौन जीत रहा है अभी तो ये तो मालूम नहीं मैम, क्योंकि मैं यहाँ पूरा प्रॉपर इधर नहीं रहता हूँ, मैं तो बस घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया? इतना तो अपने को मालूम नहीं है, बट अच्छा ही कर रहे जो भी कर रहे। प्रधानमंत्री कौन बन रहे? सर अभी तो लोग मोदी को ही सपोर्ट कर रहे ज़्यादा करके, तो अभी मोदी लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। पर क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ से हैं? यहीं से। गोंडा से कौन जीत रहा है, बीजेपी या समाजवादी? अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते। योगी जी ने कैसा काम? बहुत अच्छा, एक नंबर। अच्छा लोग तो कह रहे हैं कि वो एक तरफा काम करते हैं एक लोगों को देख करके। नहीं नहीं अच्छा काम करते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी। मोदी जी। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, मोदी जी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? जी राजू। कहाँ से हैं? चौक से। अच्छा ये बताइए यहाँ से जीत कौन रहा है, बीजेपी या समाजवादी? यहाँ से बीजेपी जीत रही है। आप
आपको लग रहा है सांसद ने काम किया है यहाँ से? अब काम किया नहीं किया, मोदी जी ने तो काम किया है भाई। हाँ, और योगी जी ने? योगी भी कर रहे हैं भाई। भाई मोदी ने हर चीज़ तो आम कर रखा है भाई, राशन ले लो, घर ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, और कहाँ चाहिए। तो उन्हीं का भाई चांसेस है, और कोई दूसरा आने वाले चांस है नहीं। आपको नहीं लगता राहुल गांधी अब अभी यहाँ अपने यूपी में तो नहीं दिख रहे हैं भाई? नहीं, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव है ना, तो वो सांसदी वाला वही तो बोल रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजादा है। कहाँ से? यही चौक से हम भी। कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ राजा भैया हैं बीजेपी से। वर्धन सिंह जीतेंगे? काम कैसा किया उन्होंने यहाँ पे? ठीक ही है। योगी जी और मोदी जी ने क्या काम किया है? बढ़िया काम किया? अपने अपने स्तर से सभी कर रहे हैं जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में गुंडा माफिया खत्म हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब दादागिरी नहीं होती यहाँ? दादागिरी क्या है, प्रशासन टाइट है भाई। प्रशासन एक्टिव रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, प्रशासन के ऊपर होता है सब जी। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और क्या। और कोई मजबूत चेहरा राहुल गांधी, अखिलेश यादव? और कोई नज़र नहीं आ रहा है मजबूत चेहरा, और कोई नहीं नज़र आ रहा है जी। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। कहाँ से हैं? गोंडा से। गोंडा से जीत कौन रहा है, समाजवादी या बीजेपी? बीजेपी। आपको लग रहा है सांसद जी ने यहाँ पे काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है जी। अच्छा ये बताइए कि योगी जी और मोदी जी का काम कैसा है? बहुत बेस्ट है सर, बहुत बढ़िया काम है योगी मोदी जी का। तो इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और बन रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आपको नहीं लगता राहुल गांधी? नहीं, कतई नहीं, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। नहीं प्रधानमंत्री? हाँ प्रधानमंत्री राहुल, मतलब उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। अच्छा मतलब कांग्रेस ही नहीं है? कांग्रेस ही नहीं। अच्छा आपने मुख्तार अंसारी की खबर सुनी है? जी हाँ सुनी है। कुछ लोग उनको जन नायक बता रहे हैं, कुछ माफिया बता रहे हैं, आप क्या बताएंगे? ये कि उनका अंत था बुराइयों का, बुराई का अंत हो गया, खत्म हो गई कहानी। मतलब ठीक हुआ उनके? बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? मोदी। राहुल गांधी? नहीं। सर क्या नाम है आपका? निरंकार मौर्य। कहाँ से है? गोंडा से। कौन जीत रहा है यहाँ से? भाजपा जीत रही है। आपको लग रहा है उन्होंने काम किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने? अब क्या होगा, इतना अपने घर से फुर्सत मिलता नहीं तो हम इधर उधर क्या देखें। अच्छा ये बताइए कि योगी जी ने कैसा काम किया है? योगी तो छाए हुए हैं भाजपा में, योगी ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी बन रहे हैं। राहुल गांधी या फिर और कोई, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी? हमको पसंद नहीं है। हाँ। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। कहाँ से है? गोंडा से। ये बताइए यहाँ से जीत कौन रहा है, बीजेपी या समाजवादी? अभी तो लड़ कौन रहा है यही नहीं क्लियर है। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी से है, बीजेपी से कीर्तिवर्धन सिंह जो कि पिछली बार सांसद रह चुके हैं। जीतना बीजेपी को ही है। आपको लग रहा है? जो भी लग रहा है। अच्छा ये बात करना है तो जीतेंगे वही निश्चित। अच्छा ये बताइए योगी जी ने कुछ काम वाम किया है यूपी में? हाँ, दंगा रोका है और क्राइम को रोका उन्होंने। आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो गुजरात से ही बनेगा, क्योंकि गुजराती किसी को जगह नहीं देंगे, ये भूल में ना रहे। आपको नहीं लगता विपक्ष से कोई चेहरा है? विपक्ष में अभी कोई चेहरा नहीं है, अभी कोई चेहरा। राहुल गांधी? अभी बहुत दूर है वो। क्या नाम है आपका? मिराज, मिराज अहमद। कहाँ से है? गोंडा। गोंडा से जीत कौन रहा है? जीत कौन रहा है गोंडा से, बीजेपी या फिर समाजवादी? नो इंटरेस्टिंग, राजनीतिक से राजनीतिक में कोई इंटरेस्टिंग नहीं मुझसे। अच्छा योगी जी ने काम वाम किया है? बढ़िया काम किया है। क्या बढ़िया काम किया है? सब तरफ, हर तरफ बढ़िया काम किया है। 2024 में आ कौन रहा है? एक नंबर। 2024 में प्रधानमंत्री उन्हें बनी है योगी जी, अभी तो मोदी जी हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है? हाँ मुश्किल। क्यों? क्या मालूम, तो हर तरफ सीटियाँ वही उन्हीं की ज़्यादा है, हर तरफ तो सीट उन्हीं की है। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम आशीष दुबे। कहाँ से? हम गोंडा के ही है। गोंडा से जीत कौन रहा है, बीजेपी या समाजवादी? बीजेपी। आपको लग रहा है सांसद ने काम किया है? अब किया हो या ना किया हो, लेकिन हमें योगी और मोदी जी के साथ देना है। ये बताइए 7 साल में योगी जी ने कैसा काम किया है? अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है जी।
अच्छा ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी बनेंगे, और कौन? मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी? वो तो बहुत पीछे है, वो नहीं बन पाएंगे। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। कहाँ से हैं? गोंडा से। गोंडा से आप कौन रहे, बीजेपी या समाजवादी? बस बीजेपी आएगा, और कोई रोक नहीं सकता। सांसद ने काम किया है अच्छे तरीके से। ये बताइए कि 7 साल में योगी जी ने कैसा काम किया? बहुत बेस्ट काम किया है, जो कोई नहीं कर पाया तो करके करके। क्या ऐसा किया उन्होंने? बहुत कुछ किया, तारीख नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे बनाएंगे। अब जब बन गया है तो तारीख वारीख सब याद आने लगा विपक्ष पार्टी को कि तारीख कहाँ गया था, चला गया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो उन्होंने किया, 370 हटाया है, बहुत से मामले हैं ऐसे कि उन्होंने किया है, बहुत से ऐसे नहीं एक धर्म के नहीं सब धर्म में किया है। हाँ, एक धर्म में नहीं कि सबका सबका विकास सबके साथ में किया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री इस बार कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री फिर वही मोदी बनेंगे। आपको नहीं लगता विपक्ष से कोई मजबूत चेहरा रहा? कोई कुछ नहीं, सब बेकार है। आपका? इमरान हैदर अंसारी। कहाँ से? गोंडा से। कौन जीत रहा है गोंडा से, बीजेपी या समाजवादी? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, टक्कर अच्छी होगी, लेकिन राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह आगे ही रहेंगे, क्योंकि राम मंदिर वगैरह बन गया है तो यहाँ की जनता को, तमाम लोगों को विकास नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है, ना विकास से कोई वास्ता है ना कोई मतलब है, बस राम मंदिर के ही नाम पे लोग वोट देना चाहते हैं, सड़क के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, रोजगारी के नाम पे, ऐसा मतलब कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि अयोध्या में राम मंदिर बना है तो वहाँ पे विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं? हाँ, वो वहाँ के लोगों के लिए विकास हो रहा है, हमारे गोंडा के लिए तो कुछ नहीं हुआ। हमारे गोंडा में तो हमने कीर्तिवर्धन सिंह को आज तक देखा नहीं, कभी करीब 15 साल से हमने देखा नहीं, जबकि मैं शहर में रहता हूँ, 15 साल से मैंने देखा ही नहीं उनको फेस टू फेस। अच्छा ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है? ठीक ठाक है, योगी जी का काम ठीक ठाक है, गुंडे माफियाओं से मुक्त है उत्तर प्रदेश, कुछ काम बहुत अच्छा है उनका कि माफियागिरी खत्म है, कोई गुंडागर्दी नहीं करता। अच्छा ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मैं भी मोदी का ही जान जाता है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी या फिर कोई और बड़ा नेता? राहुल गांधी तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो है नरेंद्र मोदी को ही लोग जो है चुनना चाह रहे हैं। का? सोनू। कहाँ से? गोंडा से। गोंडा से जीत कौन रहा है, बीजेपी या समाजवादी? समाजवादी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ के सांसद ने कुछ काम किया है पिछले 5 सालों में? जी किया है, जी किया है। बीजेपी के सांसद थे वो? जी हाँ, कीर्तिवर्धन ने काम किया है। अच्छा ये बताइए कि योगी राज में कुछ काम हुआ है उत्तर प्रदेश में? हाँ हुआ है, कुछ भी काम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि गुंडा माफिया खत्म हो रहा है, आपको लग रहा है? जी हाँ बिल्कुल खत्म हुआ है। ये बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? राहुल गांधी। अखिलेश यादव नहीं? राहुल गांधी बन रहे हैं।